हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पेप कोडिंग। और यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं की मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में, और वो भी आर प्रोग्रामिंग, राइट। तो की मीन्स क्लस्टरिंग होती है एक एल्गोरिथम है, वो क्या करता है क्लस्टरिंग बनाता है। किसकी क्लस्टर बनाता है? क्लस्टर्स बेसिकली ग्रुप्स फॉर्म करने की कोशिश करता है एक डेटा सेट में। लेट से आपके पास एक अनसुपरवाइज डेटा पड़ा हुआ है, मतलब उसमें लेबल ओवल नहीं है, एक रैंडम डेटा पड़ा हुआ है। उस रैंडम डेटा से लेट से मैं आपको 100 पीपल्स दे दूँ, उन 100 पीपल्स को आपको 100 लोगों को या 100 स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि किन लेट से हॉबीज के बीच में कैटेगराइज करना है कि किन की हॉबी इंडोर गेम्स के लिए है, किन की आउटडोर के लिए है, किन की स्टडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसे आपको क्लस्टर्स बनाने हैं, 3 क्लस्टर बनाने हैं, 3 ग्रुप 4 ग्रुप आपको नंबर आपको ग्रुप में डिवाइड करना है किसी भी डेटा सैंपल को। तो आप क्या यूज़ करेंगे? के मींस क्लस्टरिंग यूज करेंगे, और बहुत बढ़िया ये काम करती है। तो हम करेंगे क्या इसमें, हम आर में हमारे पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, आयरिस डेटा सेट, जो कि ऑल ऑलरेडी आर के अंदर अवेलेबल होता है। तो हम क्या करें, आयरिस डेटा सेट तो एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी, राइट। उसमें लेबल तो दिए होते हैं, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल बिट, पेटल बिट, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे अपने फीचर्स को, सेपल लेंथ रिमूव कर देंगे, बिट मतलब लेबल बेसिकली रिमूव कर देंगे, रेंडमली डेटा पड़ा हुआ होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, के मीन्स एल्गोरिथम को बोलेंगे कि भाई इस डेटा सेट को अब तो कैटेगराइज करके बता कि कितने कैटेगरीज में बनाई जा सकती है, राइट। तो बेसिकली कैटेगरीज तो हम खुद डिसाइड करते हैं, के मीन्स में जो के की वैल्यू होती है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। तो उस के को हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, के की वैल्यू देनी पड़ती है 1 2 3 4, आपको जितने क्लस्टर्स बनाने हैं वो आपको वैल्यू पास करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है उसमें सेपरलैंड, वर्जीनिका और वर्सी कलर और सेटोसा, ये 3 कैटेगरी के हमारे पास फ्लावर अवेलेबल है आयरिस डेटा सेट के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 क्लस्टर्स बनाऊंगा, आखिर तीनों को उनकी फीचर्स के हिसाब से जो हमने फीचर्स दे रखे हैं, लेबल हमने हटा दिया ऊपर से, बट फीचर्स तो वही है ना। उन फीचर्स के हिसाब से हमें क्या करना है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पता करना है, देखना है कैसे वो क्लस्टर्स फॉर्म कर रहा है। बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के रूप में, राइट। तो ठीक है, करते हैं काम इसी पर। तो यार सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, क्लस्टर आर और क्लस्टर। तो इन दोनों लाइब्रेरीज को मैं क्या करता हूँ, लोड कर लेता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा हुआ है अपने कंप्यूटर में, अब मुझे करना क्या होगा, इनको सिर्फ और सिर्फ लोड करना होगा। मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी क्लस्टर आर में कंट्रोल्स इंटर करूँगा, तो ये लाइब्रेरी लोड हो जाएगी। उसके बाद फिर से कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये दूसरी वाली लाइब्रेरी। अब दोनों लाइब्रेरी हमारे पास क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी हैं, या सॉरी लोड हो चुकी हैं। मैंने इंस्टॉल पहले कर लिया था, अब लोड कर लिया, लोड कर लिया मतलब अब यूज में है, अब ये मेरी इस वर्क स्पेस में अवेलेबल है, बेसिकली मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इनको, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि हम आयरिस डेटा सेट के अंदर काम करेंगे, तो आयरिस डेटा सेट पहले मुझे लेके आना होगा। ये देखो, मैंने आयरिस डेटा सेट उठाया, इसमें आप देखो तो अलग अलग कैटेगरी के आपको लगभग 150 सैंपल्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली 150 सैंपल्स है हमारे पास, राइट। और सबकी अलग अलग कैटेगरी, एक कुछ कैटेगरी के वर्जीनिका है, कुछ वर्सी कलर हैं और कुछ सेटोसा हैं। एक चीज़ और ध्यान से देखना, यहाँ पर एग्जैक्टली 50 हमारे पास क्या है, सेटोसा, एग्जैक्टली 50 वर्सी कलर और एग्जैक्टली 50 ही हमारे पास वर्जीनिका है। तो 3 कैटेगरी के हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, फ्लावर्स पड़े हैं। बट अब हमें क्या बनाना है इसका, ये तो सुपरवाइज लर्निंग के लिए अच्छा डेटा सेट होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको अनसुपरवाइज लर्निंग बना सके। तो मैं क्या करूँगी, स्पीसी पे अलग का ना कॉलम ही उड़ा देता हूँ। तो ये क्या बचेगा, नॉर्मल लेंथ पड़ेगी डेटा। आप इस डेटा को देखकर कोई बता पाएगा यार ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वही हमें काम करना है कि मशीन के मॉडल को बोलना है कि भाई मान लो ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम इसको कितने कैटेगराइज में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे। तो ठीक है, यही काम करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना डेटा लोड कर लिया, लोड करने के बाद इस डेटा में से लास्ट 12 कॉलम को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। चलो मैं लाइन नंबर करूँगा 12 नंबर, कंट्रोल प्लस इंटर हिट किया, अब मेरा डेटा में से क्या उड़ गया होगा, ये वाली कॉलम उड़ गई होगी, लास्ट वाला जो फीचर वाला स्पेसिस वाला कॉलम है वो उड़ गया होगा। देखिए प्रिंट करके, तो चलो मैं प्रिंट करके देखता हूँ, आयरिस वन को प्रिंट करूंगा। तो मुझे जो रियल डेटा सेट, जो हम किसको पास करेंगे, मॉडल को पास करेंगे, के मीन्स मॉडल को, वो डेटा सेट अभी हम देखने लगा है। देखो अब इसमें कोई नहीं बता सकता कि यह क्या किस कैटेगरी में पड़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यदि मैं आपको बताऊं तो हम क्या करेंगे, 3 क्लस्टर बनाने की कोशिश करेंगे, ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। 3 पूरा डेटा पड़ा होगा हमारा, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, रैंडम सैंपल कहीं भी पड़े होंगे। अब क्या करेंगे, इन सैंपल में से 3 हमें क्या बनाना है, ग्रुप्स बनाने हैं, क्लस्टर्स बनाने हैं। तो ठीक है वही है, बट वो बनाने के पहले मुझे अपने क्या करना होगा, जो डेटा सेट है हमारे पास उसको क्या करना होगा, रैंडमली सफल करना। सफल करना क्यों जरूरी है, सेट डॉट सीड से रैंडमली सफल होता है। सफल करना क्यों जरूरी है, जैसे आप यहाँ पे देखो,
तो यहाँ पे देखो अलग ही अलग कि हमारा क्या है, सारा डेटा पहले पहले वर्सी कलर का, पहले किसका आ रहा था हमारे पास, सेटोसा का, फिर वर्सी कलर का, फिर वर्जिंग का आ रहा था। फिर हमें रेंडमली सफल कर देना है कि ऑर्डर में ना आए, ये ऐसा ना हो कि पहले सेटोसा आ रहा है, फिर वर्सी कलर आए, फिर वर्जिंग का है, नहीं, रेंडमली सफल कर दो। तो कोई भी क्लस्टर, कोई भी कलर का फ्लावर, कोई भी कैटेगरी का फ्लावर कहीं भी चला जाए। वही चीज मैंने कर दिया, यहाँ से इसको रन करूंगा और ये हमारा क्या हो चुका है, डेटा रेंडमली सफल हो चुका है। अब ये बारी है हमारे मॉडल की। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मॉडल लाइब्रेरी हमने यहाँ से लोड करा था उसका काम यहाँ पर है। ये के मीन्स नाम का जो मॉडल है ये अवेलेबल पड़ा हुआ है इस क्लस्टर नाम की लाइब्रेरी के अंदर। ओके, तो मैंने क्या किया, के मीन्स डॉट मॉडल करके एक वेरिएबल बनाया और कॉल कर दिया अपने के मीन्स को। उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अपना डेटा सेट पास कर दिया आयरिस वन, सेंटर कितने बनाने हैं मुझे, ये चीज मैंने यहाँ पे पास कर दी। यहाँ पर तीन सेंटर बनाने हैं, तीन क्लस्टर बनाने हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मैं चूज कर सकता हूँ कितने सेंटर बनाने हैं, राइट। ठीक है, एन स्टार्ट इक्वल टू 20। एन स्टार्ट इक्वल टू 20 का मतलब ये कि इनिशियली कितने कॉन्फ़िगरेशन ये बनाएगा और उसके बेसिस में बेस्ट वाली जो होगा उसको चूज करेगा। ये क्या करेगा, इनिशियली 20 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा और उनमें से जो बेस्ट होगी उसको चूज कर लेगा, राइट। तो ये चीज मैंने क्या किया, इस लाइन को रन करूंगा तो हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा या रन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम मॉडल के अंदर जो भी कन्फिगेशन आई हैं उनको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो मैं ये करूंगा के मीन्स डॉट मॉडल और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले देखो ये बोलता है के मीन्स क्लस्टरिंग विथ थ्री सेंटर्स या थ्री क्लस्टर्स, राइट। तीन हमें क्लस्टर मिल जाएंगे और तीनों क्लस्टर हमारे मतलब तीन टोटल क्लस्टर्स बनेंगे, तीन ग्रुप्स टोटल यहाँ पे बनेंगे, ये बता रहा है, ठीक है भाई। एंड साइज ऑफ, साइज कितना कितना होगा हर एक क्लस्टर का। तो पहला वाला जो क्लस्टर बनेगा उसमें 50 सैंपल जाएंगे एंड दूसरे वाले क्लस्टर में 62 और तीसरे वाले पर 38, ऐसा ये बोल रहा है, राइट। तो तीन कैटेगरी इसने बना ली और उसके हिसाब से हमें ये चीजें बता रहा है, ठीक है भाई। जबकि जबकि यदि आप यहीं से देखो तो ये जो मॉडल है जो बता रहा, थोड़ी सी एरर है। क्या एरर है, हमने 50-50 तीनों में दिए थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पहले वाली कैटेगरी में तो 50 ठीक है, दूसरे वाले में 62 है, तीसरे वाले में 38, मतलब थोड़ी मोड़ी एरर है। बट बहुत एक्यूरेट बताने की कोशिश करा, पहला वाला तो पूरा पूरा करेक्ट बता दिया और दूसरे वाले में थोड़ा सा एरर आ गई है, ज्यादा सैंपल्स को वो करेक्ट कैटेगराइज करा सेकंड कटिंग में जबकि कम है, इस वाले में कम बता दिया है जबकि थोड़े से ज्यादा है। बट ठीक है, दैट्स ओके, ये मॉडल है, पूरे 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती कभी भी, आ गई तो फिर वो मॉडल ओवरफिट हो चुका है, राइट। ठीक है, क्लस्टर्स में किसके बेसिस बनाया है, सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ और ये तीनों चीजों को यूज किया, इसके बेसिस से बनाया है। एंड क्लस्टरिंग के वर्टेक्स आप देख सकते हो, वेक्टर देख सकते हो। तो मतलब तीन कैटेगरी अभी है, तो कैटेगरी नंबर एक को एक मान लिया, कैटेगरी नंबर दो को दो मान लिया, कैटेगरी नंबर तीन को तीन मान लिया, मतलब एक दो तीन नाम की कैटेगरीज बनाया है। कैटेगरी नंबर एक है, एक नाम की कैटेगरी, दो है दूसरी नाम की कैटेगरी, तीन तीसरी नाम की है, ये चीज है यहाँ से, राइट। ठीक है, ये चीज हमें कैटेगरीज मिल रही है, ये मिल गया विद इन द क्लस्टर्स ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक क्लस्टर किस फॉर्म में बनते हैं, ये क्या करता है, जो इस डिस्टेंस स्क्वायर होती है, डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर रूट को निकाल करके बनाता है। तो वही चीज हमें बता रहा है कि बिटवीन एसएस स्क्वायर रूट कितना है टोटल, तो उसके हिसाब से ये 84% 88% क्या 85% के आसपास को इसने बनाया क्लस्टर के रूप में, राइट। अब इसके अंदर अवेलेबल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे क्लस्टर है, सेंटर है, TTOS है, विद इन एसएस है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल कंपोनेंट्स हमारे मॉडल के पास मिल चुके हैं, ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, क्लस्टर का आइडेंटिफिकेशन करना है, ऑब्जर्व करना है कि यार एग्जैक्टली ईच वाले को, जैसे नंबर वन को किस कैटेगरी में भेजा, नंबर टू को किस कैटेगरी में भेजा, नंबर थ्री वाले को किस कैटेगरी में, हमारे पास डेटा सेट ना 1, 2, 3 अप टू 51 तक था, 150 तक था। तो टोटल पहले मॉडल को या पहले सैंपल को एग्जैक्टली किस वाले में भेजा, दूसरे सैंपल को किस कैटेगरी में भेजा, तीसरे सैंपल को किस कैटेगरी में भेजा, ये हमें विजुलाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, के मीन्स डॉट मॉडल एंड क्लस्टर, ये इंटर करते ही मुझे दिख जाएगा। देखो पहली कैटेगरी में कौन कौन गया है, इतने सारे लोग गए हैं, 1 से लेकर ये 50-60 के बीच में पहली कैटेगरी में गए हैं, फिर 60 से 119 के बीच के कुछ दूसरी कैटेगरी में एंड फिर ये तीसरी कैटेगरी में गया। तो हर एक मॉडल का हमें बता रहा कौन किस कैटेगरी में गया हुआ है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि यार कितने रियल में थे और कितने उसने फालतू में बता दिए हैं। वो चीज चेक करने के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पहले भी हमने बहुत पहले से देख रखा हुआ है, तो ये भी बहुत आसानी से है, राइट। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने करना पड़ेगा, टेबल के अंदर आप अपनी स्पेसी और के मीन्स मॉडल का क्लस्टर पास कर दीजिए, बता देगा आपको।
कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंटर किया मैंने, या इस लाइन से रन करने से कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारी बन गई है। जो डेटा आया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनने के बाद, वो सीएम नाम के किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। सीएम नाम के वेरिएबल में स्टोर करने के बाद सीएम नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देखो सेटोशा को ए पहली कैटेगरी सेटोशा नाम की बनाया, दूसरी कैटेगरी इसने बनाया है वर्सी कलर नाम की, एंड तीसरी कैटेगरी बनाया है वर्जिनिका नाम की। ये कुछ हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गई है, राइट। इसके हिसाब से आप देखो तो एक साइड है रियल, मतलब सेटोसा वर्सिकुलर वर्जिनिका ये रियल है, और दूसरे साइड है हमारे जो मॉडल ने बताए हैं 1 2 3। तो उनमें से वर्सिकुलर कितने थे हमारे पास, रियल में वर्सिकुलर कितने थे 48, बट उसने कितने वर्सिकुलर्स बनाए हैं 50 प्लस 48 प्लस 14, मतलब 12 ज्यादा बता दिए हैं इसने, एंड सेम यहाँ पर कुछ कम बता दिए हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं, 50 थे ना टोटल, ये दोनों मिलाकर टोटल हो गए 50, मतलब टोटल वर्सी कलर कितने थे 50 थे, जबकि इसने कितने बताए हैं वर्सी कलर कितने हैं हमारे पास 48 इसने बताया। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से डिटेल्स में पता लग जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कितना इसने बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम मॉडल को प्रिंट करा के देखते हैं, विजुअल प्लॉट्स बना कर देखते हैं कि यार ये कैसे दिख रहे हैं, कैसे कैसे इसने डिजाइन किया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में प्लॉट बनाकर देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये हमारे रैंडम सैंपल विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पड़े हुए थे, यहाँ कुछ डेटा पड़ा, यहाँ कुछ डेटा पड़ा, ये सच डेटा है। इसमें हमने कोई, जब हमने कुछ भी मॉडल इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं किया था तब हमारा इस प्रकार का डेटा पड़ा हुआ था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अलग अलग कैटेगरी में जब डिवाइड कर लिया, तो देखो एक कैटेगरी ब्लैक कलर की है, दूसरी कैटेगरी रेड कलर की है, तीसरी कैटेगरी किस कलर की है, ग्रीन कलर की। ऐसे हमने इसको डिवाइड कर लिया, अलग अलग कलर मॉडल को हमने अलग अलग, जैसे जब वर्सी कलर का हो तो जैसे डिफरेंट कलर में दिखेगा, एंड वर्जिन का हो तो डिफरेंट कलर में दिखेगा, सेटेज का हो तो डिफरेंट कलर में दिखेगा, उसके हिसाब से हमने ये प्लॉट्स बना लिए हैं अपने डेटा पे। अब क्या करना है फिर से मुझे, अब मैं क्या करूँगा मॉडल वगैरह, यहाँ पे के मीन्स विथ 3 क्लस्टर्स, अब मैं मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो इस डेटा पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, बस सिर्फ इस लाइन पे मैंने सिर्फ हेडिंग दिया और कुछ नहीं, बाकी पुराना वाला मॉडल दिया, ओके। नेक्स्ट में क्या किया, के मॉडल्स के सेंटर्स हमने प्लॉट कर दिए, यहाँ से दे दिया कितने सेंटर्स बनाने हैं, कैसे बनाना है, प्लॉटिंग कर दिया सेंटर्स की। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या किया है, सेपल लेंथ सेपल विड्थ के जो मॉडल के हमारे सेंटर्स थे उनके अंदर ये वैल्यू पास कर दी कि इसके बेसिस में बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, जो मैं नेक्स्ट लाइन रन करने जा रहा हूँ ये वाली, जब पॉइंट्स बनाएगा तो यहाँ पे ये कैटेगरी को जब क्लस्टर बनाएगा तो पॉइंट्स इसका सेंट्रॉइड बेसिकली बनाने की कोशिश करेगा। तो उस सेंट्रॉइड में हमें क्या करना है, कितने सेंटर बनेंगे, लेट्स से एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ कहीं बन जाएगा, एक यहाँ कहीं बन जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन वाली कैटेगरी है, ये रेड वाली और ये ब्लैक वाली है। तो इनके हिसाब से जो सेंटर बनेंगे उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर 3 दे रहा हूँ, और बेसिकली मतलब साइज सेंटर की वैल्यू यहाँ से आ रही है ये सेंटर्स। तो ऑलरेडी हमने सेंटर्स 3 बना रखे थे, एंड 3 सेंटर्स कैसे कैसे बने हैं यहाँ से पता लग गया होगा हमारे मॉडल को, और वो क्या करेगा प्रिंट करने की। तो सी ई एक्स मतलब उसका साइज कितना बड़ा होगा, यहाँ पे जब वो सेंटर बनेगा उसका साइज कितना बड़ा होगा, एंड उसके हिसाब से हमने क्या किया है, उसका सिंबल कैसा होगा उसकी वैल्यू दे दी, कि PCH1 रखना, एंड 1,3 मैंने दे दिया कलर, मतलब एक एक को अलग अलग कलर दे देना, उस हिसाब से हमने कर दिया इसको रन। इसको रन करते आप देखो तो 3 यहाँ पे सैंपल बन चुके हैं, ये जो सेंटर्स है ना ये सेंट्रॉइड है बेसिकली, अलग अलग सैंपल्स के, अलग अलग कैटेगरी के, जैसे 3 कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल। तो पहली कैटेगरी का सेंट्रॉइड यहाँ पर बन रहा है, दूसरी कैटेगरी का सेंट्रॉइड यहाँ बन रहा है, तीसरी कैटेगरी का यहाँ, और देखो कलर कैसा आ रहा है, जैसे जिसकी कैटेगरी है उसके हिसाब से, बस साइज शेप मैंने डिफरेंट लिया हुआ है, PCH की वैल्यू मैंने डिफरेंट ली है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये शेप में बन रहा है, राइट। चलो ठीक है, यदि मैं 8 दूंगा ना यहाँ पर तो स्टार बनना शुरू हो जाएगा, मैं PCH की वैल्यू यदि 8 देता हूँ स्टार्स बनना शुरू हो जाना चाहिए। ये देखो आपको स्टार बन गया यहाँ पर, ये स्टार हमें इससे पता लगता है कि ये हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये चीज मुझे पता लग गई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी इसका प्लॉट बनाना है, विजुअल प्लॉट, मतलब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल सा बन जाए, एक कैटेगरी पूरी इसके अंदर आ जाए, यहाँ पे एक इलिप्स या सर्कल जैसा बनना चाहे वो बन जाए, और तीसरे वाले भी बन जाए। तो उसके हिसाब से मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको अलग अलग क्लस्टर, अब रियल क्लस्टर बना रहा हूँ, अब ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं, उस ग्रुपिंग का प्लॉट मुझे दिखाना है, तो वो चीज मैंने कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, विजुअलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे कर रहा हूँ, अपने क्लस्टर का विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, पूरा एक विजुअल फॉर्म बनेगा क्लस्टर्स का। तो मैंने वी के मीन्स दे दिया, इन द सेंस कि अब क्या होगा यहाँ पर पूरा क्लस्टर बनना शुरू हो गया। तो वी के मीन्स का मैंने वैल्यू दे दी, और इस क्लस्टर्स में से वो वैल्यू यहाँ पे लाके स्टोर कर लिया वेरिएबल्स में, ये मैंने कर लिया।
अब इसके अंदर डिटेल्स पड़ी होगी कैसा कैसा वो क्लस्टर बनेगा, कि कहाँ से कहाँ तक का जो इसके सेंट्राइड से कितने डिस्टेंस के बीच के लोग या डिस्टेंस के बीच के सैंपल किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर स्टोर गई बीके मीन के रूप में। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉटिंग कर लूँगा। प्लॉटिंग मतलब कि वो सर्कल बना, राइट। इसको रन करते हैं, आप देखोगे कि इसको रन करते ही हमें पूरा सैंपल हमें मिल जाएगा। ये देखो ये पूरा एग्जैक्ट क्लस्टर बन गया हमारा, कि ये जितने सैंपल्स थे या इनका जो सेंट्रॉइड था यहाँ से यहाँ की एक कैटेगरी थी जो क्या कर रही है, किसी एक कैटेगरी को वन कैटेगरी बिलोंग कर रहा। दूसरा वाला जो रेड वाला है ये टू कैटेगरी को बिलोंग कर रहा, ये थ्री वाला। अब एक चीज और, एक चीज और, आपको लगता होगा कि यार ये तो एक एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। नहीं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यहाँ वाला पॉइंट किसको बिलोंग करेगा, हमें टू डी में देख के कंफ्यूजन लग रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट है यार, तो इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है। नहीं, थ्री डी में आप जाओगे तो एक सर्कल इधर होगा तो दूसरा सर्कल इधर होगा। जब टू डी में आप इसको ऐसे देखोगे तो ऐसा लग रहा होगा, ऐसे देखो थ्री डी में तो लग रहा है कि एक ये सर्कल है, एक दूसरा ये सर्कल है, ये अलग अलग सर्कल। आप टू डी में ऐसा देखो तो एक लग रहा होगा कि आप ओवरलैप कर रहा है, इस सर्कल के पीछे ये वाला सर्कल है बेसिकली। तो इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ये क्लस्टर्स तीनों अलग अलग हैं। यहाँ वाले डेटा पॉइंट ऐसा नहीं कि इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग नहीं, ना ना, एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इसको टू डी में, इस वजह से ये हमें ऐसा लग रहा है। अरे तो ये चीज थी यार, ये था हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग का इम्प्लीमेंटेशन विद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका पाइथन में भी अवेलेबल है, आप वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। nados.io में आप जाओगे तो सारा डेटा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये था इस वीडियो में यहीं तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।